नमस्कार प्रिय बच्चों, तुलसीदास जी द्वारा चरितमानस के बालकांड से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम चतुर्थ चौपाई जो है वो ले रहे हैं। तो देखिए, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल खालक। परशुराम जी जो है अभी तक लक्ष्मण से संवाद कर रहे थे, अब वे विश्वामित्र की ओर उन्मुख हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, सुनहु मंद येहु बालक, कि हे विश्वामित्र, यह बालक अर्थात लक्ष्मण जो है बड़ा ही क्या है, मंद बुद्धि, मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल खालक, कि ये बालक जो है लक्ष्मण जो है वो बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है और काल के वश होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश मतलब सूर्यवंश में, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंको मतलब कलंकित करने वाला, निपट निरंकुशु अबधु असंको। शब्दों पे ध्यान दीजिए, निपट मतलब बिल्कुल ही, निरंकुश मतलब होता है उदंड, निबधु अबधु मतलब मूर्ख और असंको मतलब निडर, कि यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, सभी तरह से उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो ही छनमाही, कि एक क्षण में ही अभी यह काल कवलित हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कि मैं यह बात पुकार कर कह देता हूँ फिर कोई मुझे दोष ना दे। खोरी मोहिनाई मतलब दोष ना दे मुझे। तुम हटको जो चहो उबारा, कि यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, उबारना मतलब बचाना चाहते हो। देखिए क्या कह रहे हैं, कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, हटको मतलब हटा दो। कही प्रताप बलु रोष हमारा, कही मतलब कह करके, प्रताप मतलब वीरता, बलि मतलब बल, रोषु मतलब गुस्सा, कि हमारी वीरता, हमारा बल और हमारे गुस्से के बारे में से बताते हुए इसे यहाँ से हटा दो, अन्यथा ये मारा जाएगा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को भर ने पारा। अब लक्ष्मण कहाँ कम रहने वाले हैं, वे भी वो जितनी विरोक्तियाँ बोल रहे हैं, लक्ष्मण भी उतने ही वीर और पराक्रमी हैं। तो वो भी देखिए क्या कह रहे हैं, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका सुयश तुम्हें अछत को भरने पारा, कि आपसे ज़्यादा उसको अछत मतलब संपूर्णता के साथ और कौन बोल सकता है, इसलिए आप ही बोल दीजिए। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी, कि अपने मुंह से आपनी करनी मतलब अपनी जो करनी है उसको आपने अनेक बार वैसे ही वर्णन किया है, अनेक भांति से आप वर्णन कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, नहीं संतोष तब पुनिकच कहूँ, कि इतना तो आप कह चुके अपने बारे में, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है, जनिर इस रो की दुसौ दुख से हूँ, अगर आपको संतोष नहीं है तो आप उसे और बोलिए और गुस्सा रोक करके आप असहनीय दुख को क्यों सहन कर रहे हैं। वीर प्रति तुम्हारी धीर अछोभा, गारी देत न पावई शोभा। देखिए लक्ष्मण की उक्तियाँ भी छुभने वाली हैं। क्या कह रहे हैं, वीर व्रति, कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हो, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। आगे दोहे के रूप में देखिए जो कहा गया है, सूर समर करनी करी, सूर समर में स से दो बार आने से अनुप्रास अलंकार है, तो सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, कि जो सूर मतलब शूरवीर, समर मतलब युद्ध में, करनी मतलब कार्य, करही मतलब करते हैं, कहीं न जनावही आप, कह करके, जनावही मतलब बताते हैं, आप मतलब स्वयं को, कि वो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे कह करके नहीं बताते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में कार्य करते हैं। विद्यमान पन रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापु, कि युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर कायर ही जो है वो व्यर्थ में अपनी प्रताप की डींगे हाँका करते हैं, अर्थात वो उनको और उत्तेजित कर रहे हैं ये कहकर कि आप व्यर्थ की बातें कर रहे हो, आपको अगर युद्ध करना है तो आप मुझसे युद्ध कर सकते हो या शक्ति परीक्षण आप कर सकते हो। इस प्रकार लक्ष्मण की उक्तियाँ भी जो हैं वो
परशुराम को और अधिक उत्तेजित कर रही हैं, उनका क्रोध जो है उसको शांत करने की जगह उसको भड़का रही हैं। धन्यवाद।